रहे हैं और निजीकरण की खबर है पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं लगातार चौथे दिन तेजी है और जो चार नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन पर तो एक बार फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इन चारों में से कौन से दो प्राइम निजीकरण के कैंडिडेट्स होते हैं, कैसे ये चारों एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये डिटेल रिसर्च करके आए हैं वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, हमने तीन चार पैरामीटर्स है जिसके ऊपर जज करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की खासकर ये चार बैंक्स जिनका नाम बार बार आ रहा है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है प्राइवेटाइज होने की। तो और जो चार पैरामीटर्स हमने लिए, एक तो उसमें ये है कि भाई सबसे हाई से कौन सबसे ज़्यादा गिरा है, दूसरा मुनाफा और घाटा, किस कंपनी का या किस बैंक का कितना मुनाफा है कितना घाटा है। नो डाउट Q3 में अगर आप देखेंगे तो सबके तो मुनाफे में थे, लेकिन FY20 में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ग्रॉस NPS कैसे रहे इन बैंक्स के और रिजर्व्स और सरप्लस इन बैंक्स के कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइफ हाई से देखेंगे तो चारों बैंक्स जो है वो करीब 85-90% के आसपास की गिरावट दिखा चुके हैं, तो लाइफ हाई से तो ये कंपनीज काफ़ी नीचे है। अब अगला जो है मुनाफा और घाटा अगर आप देखेंगे तो FY20 में बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों बैंक्स थे जिन्होंने घाटा किया था, केवल एक बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि मुनाफे में था। ग्रॉस NPL अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का 13.25 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.69, इंडियन ओवरसीज 12.19, सेंट्रल बैंक 16.3, यानी कि चार में से तीन बैंक्स ऐसे हैं जिनके ग्रॉस NPL 10% के ऊपर है। अब जो आखिरी कैटेगरी है ये शायद वो कैटेगरी थी जिससे हमने ज़्यादा मदद मिली डिसाइड करने में कि कौन सबसे पहले प्राइवेटाइज होगा और वो है रिजर्व्स। अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक तीनों के रिजर्व्स पॉजिटिव है, केवल एक इंडियन ओवरसीज बैंक था जिसके रिजर्व्स जो है नेगेटिव 27 करोड़ के आसपास है। तो इन सब पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो पहला बैंक जिसका नाम सामने आता है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि प्राइवेटाइज हो सकता है। क्यों? एक तो नुकसान किया है, रिजर्व्स नेगेटिव है और कंपनी के जो ग्रॉस NPA है उस वो करीब 12% के आसपास है। दूसरा बैंक जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे NPS काफी ज्यादा है और करीब 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान इसने किया है। तीसरा बैंक फिर सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो इस पायदान में सबसे नीचे है। और वैसे भी आज देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने RBI से कहा भी है कि हमें PCA से बाहर निकाला जाए, तो ये वो बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्राइवेटाइज होने की। ओके, तो ये बैंक जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्राइवेटाइज होने की, बाजार तो चारों को ही प्रबल कैंडिडेट मान रहा है क्योंकि दोनों दिन हमने देखा है कि 20-20% के सर्किट इनकाउंटर्स पर लगे हैं। देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन आता है सरकार की तरफ से। IOB पर अभी खबर भी आई थी कि PCA से बाहर आने के लिए अर्जी भी दी गई है, पर देखते हैं एक्शन किधर रहेगा। बट ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार तेजी बनी हुई है कुछ और PSU बैंक्स में भी जहां पर हमने फोकस किया है, पर एक कॉल अब ले लेते हैं।